हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट एम 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक वन अन इंट्रोडक्शन टू सी यूनिट टू बेसिक ऑफ सी तो हमने पहले देखा था कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले थे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पहले भी कर ली हैं जैसे कि वट इज़ अ प्रोग्राम एंड वट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हमने अपनी पिछली लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है सी लैंग्वेज क्या होती है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम एंड राइटिंग अ सी प्रोग्राम ये सब हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल होता है नेक्स्ट लिंक एंड रन द सी प्रोग्राम एंड लास्ट इज डायग्रामिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस ये तीन चीजें हैं जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करते हैं। एक एक करके सब कुछ ये सब अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं तो कंपाइलेशन ऑफ अ सी प्रोग्राम किस तरह से सी प्रोग्राम का कंपाइलेशन होता है तो आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले क्या है सी लेवल लैंग्वेज हमने देखा था कि हम कैसे लिखते हैं उसको किसी एक मतलब एडिटर के ऊपर लिखते हैं ठीक है 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 जो क्या होता है? हमारा होता हमारा सोर्स कोड और यहाँ पर उसको हम किस पे लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है ये ठीक है जैसे भी आ, आप लिख रहे हो हैश दिस एंड फिर उसके बाद एफ तो ये सब क्या है ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आता है उसके बाद में जैसे कि आपको लेट सपोज कि आपको चाइनीज़ नहीं आती ठीक है चाइना की लैंग्वेज नहीं आती चाइनीज़ नहीं आती जापनीज़ नहीं आती तो अगर आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जो चाइना में है ठीक है यानी या फिर जापनीज़ बोलो कि पूरी जापनीज़ में है तो आप उसको क्या समझ पाओगे कि उस लैंग्वेज मतलब उसमें क्या बोला जा रहा है क्या क्या कुछ कह रहे हैं वो तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर अब जो है आपको सब टाइटल दे दिए जाते हैं नीचे लिखा हुआ आता है कि ये क्या कह रहे हैं ठीक है ठीके? तो उसको हम क्या करते हैं समझ पाते हैं ठीक है तो जब हमें उसमें हमें समझ में आ रहा है क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि वो क्या डायलॉग बोल रहे हैं तो वहां पर क्या है सब के तौर पर लिखा हुआ था अब यहां पर क्या है आपने हाई लेवल लैंग्वेज को सुना ठीक है अब यहाँ पर जो तो हाई लेवल लैंग्वेज आप लिख कर दिखाओगे ना तो सी प्रोग्राम में आपने हाई लेवल लैंग्वेज को लिखा उसके बाद में यहाँ पर क्या होते हैं ट्रांसलेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं या फिर कंपाइलर होते हैं ठीक है ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर इसको क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं जो क्या होते हैं ट्रांसलेट हो गए ठीक है ट्रांसलेट होकर के आप मिलेंगे मशीन लैंग्वेज कोड में बन जाते हैं जो क्या है मशीन को subject, समझ में आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड लेट सपोज कि आपने एक प्रोग्राम लिखा ठीक है अब प्रोग्राम लिखने के बाद में वो सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा तो कंप्यूटर को समझने के लिए हम हम उसको उसको क्या करते हैं? करते हैं हैं कंपाइल कंपाइल करने के बाद में हम उसको ऐसा कोड बना देते हैं जो मशीन को समझ में आए अब मशीन को समझ में आ रहा है तो मशीन उसको चला लेती है जैसे कि आपके पास में आपको ये पता है कि टू ऐसे लिखते हैं लेकिन अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो टू कैसे लिखते हैं ऐसे टू लिखते हैं ना ये हमारा क्या हो गया टू बाइनरी में टू को ऐसे ही लिखेंगे ना तो बाइनरी में टू को ऐसे ही लिखते हैं ठीक है और यहां पर हमारा क्या है ये

सी प्रोग्राम ठीक है यहाँ पर देखो क्या है आफ्टर कंपाइलेशन कंपाइलेशन जब आप कंपाइल कर कर लेते हो आपने कंप्लीट लिया ना कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग द प्रोग्राम अब यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रोग्राम को लिंक कर रहे होते हैं किससे लिंक करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास ना बने हुए डिफाइंड कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि अगर हम सी के अंदर बात करें तो आप ये हमेशा ही यूज करते हो प्रिंट प्रिंट एफ 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 स्कैन ये यूज करते करते ही करते हो ये तो सबको पता रहेगा ठीक है तो प्रिंट एफ एफ स्कैन क्या आपने बनाए हैं नहीं बनाए ना ठीक है प्रिंट एफ स्कैन करने से पहले क्या आपने डिफाइन किया है कि प्रिंट एफ क्या होता है कैसे क्या रन करेगा नहीं डिफाइन किया ना तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जो सी प्रोग्राम की पहले से ही बनी हुई हैं तो उनको यूज करने के लिए ठीक है उनको हम क्या कर पाते हैं यूज करने कर पाए मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे कंपाइल जब एग्जीक्यूट हो तो कंपाइलर को ये पता लगे कि प्रिंट एफ जो है वो क्या काम करने के लिए बना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ये हमारा कोड है ठीक है ओबीजे फाइल जो अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट फाइल बन दिया ना कंपाइलर पे ये आपकी ओबीजे फाइल बन गई उसके बाद में कुछ यहाँ पर जो हैडर फाइल्स होती हैं फाइल की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि यहाँ पर आप हैडर फाइल लिख लो ठीक है हैडर फाइल्स होती हैं इन दोनों फाइल्स को आपस में क्या करता है जोड़ता है इसको और इसको किसके द्वारा जुड़ती है ये लिंकर से जुड़ते हैं लिंकर क्या फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है जिसको हम क्या कर पाते हैं एग्जीक्यूट कर पाते हैं ठीक है अब आफ्टर कंपाइलेशन द नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग द प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोड्यूस अ फाइल विद अन एक्सटेंशन OBJ ठीक है कंपाइलेशन से क्या प्रोड्यूस हुई OBJ फाइल प्रोड्यूस हुई नाउ दिस OBJ फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड कंटेन कॉल्स ऑफ फंक्शन दिसल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ठीक है कुछ ऐसे जैसे आपने प्रिंट एफ यूज किया स्कैन एफ यूज किया तो ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो क्या है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है तो आप अगर इनका यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहले से बताना पड़ेगा ठीक है यानी कि अब जो कंपाइल जब इसका एग्जीक्यूशन होगा एग्जीक्यूशन टाइम पे इसको पता ही नहीं है भाई प्रिंट एफ किस लिए है स्कैन एफ किस लिए है तो इसका यूज करने के लिए हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ फंक्शन का यूज करेंगे जिनके लिए हमें सी लिंकर की जरूरत पड़ती है ठीक है लिंकर ये काम करता है तो रन टाइम पे जो एरर्स आती हैं वो सब लिंकर में आएंगी ओके अब यहां पर क्या है डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये हमारा है ड्रग ड्रग

कंपाइल ठीक है अब यहाँ पर कुछ ऐसी एरर्स आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आपने ना इस तरह से कुछ प्रीडि मतलब जो स्टेटमेंट खत्म होती है तो वहां पर इस तरह से कोमा नहीं लगाया या कुछ ऐसा कर दिया ठीक है तो इस तरह की एरर आएंगी तो उस एरर को आपको क्या करना है ठीक करना ठीक करने के बाद में दोबारा से सेव करोगे और दोबारा रिकम्पाइल करोगे तो यह हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हमारा क्या करेगा वो लिंक करेगा लिंक द प्रोग्राम प्रोग्राम को लिंक करेगा उसके बाद में प्रोग्राम लिंक हो जाएगा फिर उसको क्या बनाएगा एग्जीक्यूट द प्रोग्राम प्रोग्राम को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में जो आपने रिजल्ट देना है मतलब कि अगर मान लो आपने प्रोग्राम लिख दिया अब उसकी अगर आपको करना है दो नंबर्स को ऐड ठीक है ऐड करना है कंपाइलेशन का प्रोग्राम आपने ठीक कर दिया लेकिन यहाँ पर ना गलती से प्लस की जगह माइनस का साइन लिख दिया ठीक है प्लस की जगह का हो गया तो यहां पर A -B का आएगा तो क्या क्या है 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 कि कि आपको टेस्ट भी करना है कि आपको जो आया है, क्या वो ही है जो आया आप चाहते थे या कुछ अलग आ रहे है, मतलब प्लस की जगह पे गलती से आपने ध्यान नहीं दिया कंपाइलेशन पूरा हो गया लिंकिंग भी ठीक तरीके से हो जाएगी लेकिन जहाँ लास्ट में हम अपना रिजल्ट जो है वो चेक करेंगे वेरीफाई करेंगे कि जो हमने चाहिए था यानी कि सम चाहिए था अगर उसका डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसको दोबारा से उसके देखेंगे कि हमने प्रोग्राम में कुछ गलती करी है या नहीं उसको वेरीफाई करेंगे रिजल्ट हम देखेंगे दोबारा से एंड देन हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से चलेगा अगर हमें पता चल जाएगा ना भाई माइनस कर रहा है तो ऑफकोर्स हमें क्या क्या चेंज करने की जरूरत है प्लस माइनस की जगह पे प्लस का साइन चेंज करना जिसकी वजह से हमें सम मिलेगा ठीक है तो ये था हमारा कि हम किस तरह से किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करे कमेंट करे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग